आज हम लोग देखेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स को, ठीक है। सो मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं इसको आज हम लोग देखेंगे। सो हमने क्लास 7 में पढ़ा है कि टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हमारे पास टोटल? 118 एलिमेंट्स, ठीक है। अब एलिमेंट्स क्या है ये आपने क्लास 7 में पढ़ा है, लेकिन फिर भी एक ब्रीफ के लिए आपको बता दिया जाए कि एलिमेंट्स क्या हैं। जैसे कि कोई भी एक सेम काइंड का एटम जब एक ग्रुप फॉर्म करता है, ग्रुप ऑफ सेम काइंड एटम, ठीक है, वो एटम जो कि एक ग्रुप फॉर्म करता है जो कि सेम काइंड का होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं उसको? एलिमेंट। समझ में आया? चलो बहुत अच्छे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो ऑक्सीजन है। अब ये जो ऑक्सीजन का एलिमेंट, ऑक्सीजन का जो एटम है वो सिर्फ O2 है कि नहीं? तो ये सिर्फ एक ही टाइप का एटम है जो कि है सिर्फ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है तो सिर्फ ये जो ऑक्सीजन हुआ, सिर्फ ये एक ही टाइप का एटम है जिसमें है ये ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो हुआ वो क्या हुआ? एक एलिमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक हाइड्रोजन भी हुआ, हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट हुआ, क्योंकि इसके पास क्या है? सिर्फ एक टाइप का एटम है, बहुत अलग अलग टाइप्स के एटम नहीं है, सिर्फ एक टाइप का एटम है जो कि है हाइड्रोजन, तो ये एलिमेंट हुआ। वहीं पे एक कंपाउंड होता है, ठीक है, एलिमेंट हुआ तो एक कंपाउंड भी होता है। अब ये कंपाउंड क्या होता है? सो कंपाउंड की एक टाइप, ठीक है, ग्रुप ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ एटम, मतलब एक टाइप का एटम नहीं, वो और भी एक से दो तीन चार और भी ज़्यादा टाइप्स के एटम हुए। जैसे कि मान लो हमारा ये हाइड्रोजन है H, इसमें ऑक्सीजन को भी मिला दिया H2+O, सो ये क्या फॉर्म करेगा? H2O। ये क्या है? ये है वाटर। H2O क्या बनाता है? वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वाटर को। और ये H2O क्या है? ये है कंपाउंड। क्यों है? क्योंकि इसके पास है एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ठीक है, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, दोनों अलग अलग टाइप्स के एटम हुए। यहाँ पे लिखा है टू और मोर टाइप्स ऑफ एटम, दो एटम्स हो ही गए इसके पास, दो एटम्स हैं और अलग अलग टाइप्स के हैं, एक है हाइड्रोजन, एक है आपका हाइड्रोजन, तो दूसरा है आपका ऑक्सीजन, दूसरा क्या है आपका? ऑक्सीजन। चलो समझ में आ गया, कंपाउंड और एलिमेंट के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया। चलो बहुत अच्छे, अब बढ़ते हैं हम अपने मेन मुद्दे पे। हमारा मेन मुद्दा क्या है? हमारा मेन मुद्दा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, ठीक है। सो मेन मुद्दा क्या है कि 118 एलिमेंट्स है, आई मीन 118 एलिमेंट्स को तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है, एक भाग मेटल, एक भाग नॉन मेटल और एक भाग मेटलॉइड। क्या भाग है? मेटलॉइड्स। ये तीन भागों में इन एलिमेंट्स को बांटा गया। इस चैप्टर में सिर्फ हम लोग मेटल को देखेंगे और नॉन मेटल को देखेंगे। नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि किसको हम लोग देखने वाले हैं। सो मेटल और नॉन मेटल को इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। जो मेटलॉइड है, मेटलॉइड जो है उसको हम लोग कभी और देखेंगे, ठीक है, किसी और वीडियो में हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो मेटल और नॉन मेटल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग ये देखेंगे कि जो मेटल है और नॉन मेटल है इन्हें किस बेसिस पे, ठीक है, किस बेसिस पे इन्हें कैटेगराइज किया गया है। कोई भी एक बेसिस होगा ना, कोई एक मापदंड होगा जिसके बेसिस पे इन्हें कैटेगराइज किया गया होगा, सो वो हम लोग देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सो देखो मेटल्स और जो नॉन मेटल्स है, ठीक है, उन्हें दो बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है। कितने बेसिस पे? सो दो बेसिस पे। वो दोनों बेसिस क्या है? जो एलिमेंट्स को हम लोगों ने मेटल और नॉन मेटल में कैटेगराइज किया, और मेटल्स को और नॉन मेटल्स को, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को दो बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है। दो बेसिस पे, एक है आपका फिजिकल और एक है आपका केमिकल। एक क्या है तो आपका फिजिकल और एक है केमिकल। अब ये फिजिकल क्या है? फिजिकल में आप लोग डिस्कस करते हो, ये हम लोग नॉन मेटल का देखेंगे इसमें, और इसमें हम लोग मेटल का देखेंगे। सो फिजिकल में आप लोग क्या, कौन कौन से प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हो? सो इन्हें दो प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इन्हें बांटा गया है, मेटल और नॉन मेटल को, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। सो कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज है? फिजिकल प्रॉपर्टीज आपका एक हो गया स्टेट। स्टेट मतलब
सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो जब स्टेट की बात करेंगे तो जो मेटल होता है ठीक है वो सॉलिड में ज़्यादातर रहता है। किस में रहता है? सॉलिड में। लिक्विड में भी मेटल्स रहते हैं। कौन से मेटल्स रहते हैं? सो एक है हमारा मरकरी जो कि हमेशा ही लिक्विड में रहता है ठीक है, आपके थर्मोमीटर में यूज़ होता है, और एक है गैलियम ठीक है, जो कि 30 डिग्री के टेम्परेचर से, टेम्परेचर हाई पे जाने से, 30 डिग्री का अगर टेम्परेचर उससे ज़्यादा जाता है, 30 डिग्री के टेम्परेचर से ज़्यादा जाता है तो ये लिक्विड में रहता है ठीक है, अगर 30 डिग्री से टेम्परेचर कम है तो ये लिक्विड नहीं रहता है, समझ में आया। चलो नन मेटल ये सॉलिड में भी रहते हैं, लिक्विड में भी रहते हैं और गैसियस में भी रहते हैं ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस ये तीनों फॉर्म में रहते हैं नन मेटल। मेटल का अगर हम लोग एग्जांपल देखें सॉलिड में तो आप लोग आयरन ले सकते हो, कॉपर ले सकते हो और भी अलग अलग ले सकते हो आप लोग। नन मेटल का अगर हम लोग सॉलिड में एग्जांपल देखें तो आप लोग ग्रेफाइट ले सकते हो, लिक्विड में ब्रोनियम ले सकते हो, ब्रेनियम शायद मैं प्रोनाउंसिएशन अच्छे से ना कर पाऊँ। फिर उसके बाद गैसियस में आप लोग हाइड्रोजन को ले सकते हो, नाइट्रोजन ले सकते हो, ऐसे ही अलग अलग आप लोग एग्जांपल्स ले सकते हो। उसके बाद ये एक स्टेट, तो ये एक स्टेट, एक रीज़न हो गया कि जिसके बेसिस पे इन्हें कैटेगराइज किया गया। दूसरा रीज़न क्या है? तो दूसरा रीज़न आपका है स्ट्रेंथ। क्या है? तो है स्ट्रेंथ कि मतलब कौन मजबूत है कौन स्ट्रांग है। मेटल इसकी इसमें स्ट्रांग होते हैं ठीक है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम। इन ये जो दो मेटल्स हैं इन दोनों मेटल्स को आप लोग चाकू से भी काट सकते हो, सोडियम और पोटेशियम को आप लोग चाकू से भी काट सकते हो। नन मेटल के केस में नन मेटल जो होते हैं वो होते हैं सॉफ्ट ठीक है, इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट डायमंड ठीक है, एक्सेप्ट डायमंड। एक आपको यहाँ पर सॉलिड भी मिल गया जो कि है एक डायमंड ठीक है। तो डायमंड जो है वो सॉफ्ट नहीं होता, हम लोग भी जानते हैं वो बहुत ही हार्ड होता है। उसके बाद अब हमारा तीसरा डिफरेंस देखते हैं। तीसरा डिफरेंस है आपका लस्चर का। लस्चर क्या होता है दोस्त? सो साइनेस ठीक है, मेटल कोई भी चीज़ कितना साइन कर पाता है ठीक है, वो साइन कर पाता है, कितना साइन कर पाता है, कितना साइन नहीं कर पाता है, इसको देखता है लस्चर ठीक है। इसको देखता है क्या? तो लस्चर। तो लस्चर में जब आप लोग देखेंगे तो मेटल जो है वो साइन कर पाते हैं बहुत अच्छे से, नॉन मेटल जो है वो उतना साइनी नहीं होते, नॉट साइनी ठीक है। नॉन मेटल जो है वो साइनी नहीं होते हैं, लेकिन वहीं पे ये जो एक मेटल है ये साइनी होता है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर पे। चौथा नंबर है हमारा आपका ड्यूक्टिलिटी का। ड्यूक्टिलिटी का, ड्यूक्टिलिटी क्या है कि किसी भी ठीक है किसी भी सब्सटेंस को आप लोग वायर में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर नहीं ठीक है। वायर में कन्वर्ट कर सकते हो तो वो ड्यूक्टाइल है, वायर में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो तो ड्यूक्टाइल नहीं है, समझ में आया। सो मेटल इसमें बाजी मार जाते हैं, ये ड्यूक्टाइल है इसको आप लोग वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, नॉन मेटल बाजी नहीं मारते हैं, इन्हें आप लोग वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसके बाद पांचवा नंबर है हमारा मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या है तो दोस्त? मेलेबिलिटी आपका हो गया कि किसी भी सब्सटेंस को ठीक है, किसी भी सब्सटेंस को आप लोग हथौड़े से मार के मतलब उसको मार के आप लोग उसको एक सीट में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं। मेटल इसमें वापस से बाजी मार जाता है, लेकिन नॉन मेटल इसमें वापस से बाजी नहीं मार पाता है। मेटल के केस में आप लोग एल्यूमिनियम को ले सकते हो, एल्यूमिनियम को, सिल्वर को ले सकते हो जिनका कि हम लोग फॉइल बनाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम का जो फॉइल बनता है उसका उसको हम लोग मेलेबल करके उसका एक फॉइल बनाते हैं जिसका यूज़ करते हैं हम लोग खाने को पैक करने में, समझ में आया। खाना पैक करने में हम लोग उसका यूज़ करते हैं। चलो यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद अब एक छठा नंबर है सोनरस एबिलिटी। यहाँ पे अब जगह नहीं बचा तो इधर ही मैं अब लिख रहा हूँ ठीक है। एक है सोनरस एबिलिटी। ये क्या है सोनरस एबिलिटी? कि वो साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं कि नहीं ठीक है, साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं, उनको जब आप मारोगे तो साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं। मेटल इसके इसमें बाजी मारते हैं, नॉन मेटल इसके इसमें वापस से गायब हो जाते हैं। नॉन मेटल को आप लोग मारोगे वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। एक कोल को लो उसको मारो, साउंड प्रोड्यूस किया? नहीं किया। एक आयरन को लो उसको मारो, साउंड प्रोड्यूस किया? किया। चलो सातवां नंबर है हमारा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी किस चीज़ की? सो सब चीज़ें एकदम हम लोग समझ सकते हैं किस चीज़ की, एकदम कॉमन सी बात है, हीट की, इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिसिटी की, हीट की, इलेक्ट्रिसिटी की, इन दो चीज़ों की मेन कंडक्टिविटी होती है। एक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी देखा जाता है ठीक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। हीट के मामले में जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के मामले में जो है ठीक है,
मेटल बाजी मार जाता है, ये कंडक्ट करता है हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को, ये हम लोग जानते हैं। और जो नन मेटल है वो भी वो बाजी नहीं मार पाता है, उसका नो है। लेकिन एक्सेप्शन है वो एक ग्रेफिटाइट जो अभी हमने बात की, ग्रेफाइट जो हमने अभी बात की, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, ग्रेफाइट किसको कंडक्ट कर सकता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। बट क्योंकि ग्रेफाइट को हम लोग वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो डिप्टाइल नहीं है, उसी की वजह से उसकी कोई भी इलेक्ट्रिक वायर नहीं बनती, नहीं तो उसकी भी इलेक्ट्रिक वायर बन रही होती। उसके बाद मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखें तो जो मेटल का जो हमारा केस है, ठीक है, ये जो मेटल है इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट हाई है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, मतलब ज़्यादा होता है, बहुत ही हाई होता है। लेकिन वहीं पे एक नॉन मेटल के केस में इसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो है और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है, दोनों चीज़ लो होते हैं। चलो समझ में आ गया। सो ये चीज सात जो है, ये सात मेन, ठीक है, ये सात मेन फिजिकल क्वांटिटी, सात मेन फिजिकल एबिलिटीज है जिसके बेसिस पे मेटल्स नॉन मेटल्स को कैटेगराइज किया गया। सात कौन से मेन है? सो पहला हो गया हमारा स्टेट है हमारा पहला कि क्या वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है। उसके बाद है हमारा स्ट्रेंथ, क्या है स्ट्रेंथ, कि वो स्ट्रांग है और या वो स्ट्रांग है या फिर लूज है, मतलब स्ट्रांग है या फिर सॉफ्ट है, ये चीज़ दिखता है। उसके बाद आता है आपका लस्टर, ये अपना साइननेस दिखाता है कि आपका जो मेटल है, जो सब्सटेंस है, वो साइन कर पाता है कि नहीं। उसके बाद आता है आपका चौथा नंबर, आपका आता है ड्यूटिलिटी, कि मतलब आप लोग वायर को उसमें कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं, जो आपका मेटल है या फिर जो भी सब्सटेंस है उसको आप लोग वायर में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं। फिर आपका पांचवा आता है मैलेबिलिटी, ठीक है। मैलेबिलिटी क्या है? सो मैलेबिलिटी है आपका सिंपल सा चीज़ की आप लोग मेटल को, ठीक है, मेटल को आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं, ये सीट में आप लोग मेटल को कन्वर्ट, किसी भी सब्सटेंस को आप लोग मेटल सीट में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं। तो इसमें मेटल ने बाजी मारी थी और नॉन मेटल ने बाजी नहीं मारी थी। और मेटल की किस्म हम लोग देखते हैं कि एल्यूमिनियम जो फॉइल होता है, जो हम लोग के घर में खाना पैक करने के लिए यूज़ होता है एल्यूमिनियम फॉइल, वो एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम है एक मेटल और एल्यूमिनियम का फॉइल बनता है जिससे हम लोग खाना पैक करते हैं, इसमें भी उसने बाजी मारी। उसके बाद आता है हमारा सोनरस एबिलिटी, मतलब कि उसको जब आप लोग किसी चीज़ से बजाओगे, मारोगे, तो क्या वो साउंड प्रोड्यूस करेगा, तो उसमें भी मेटल ने बाजी मारी और नॉन मेटल उसमें भी गायब हो गया। उसके बाद कंडक्टिविटी, कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्ट कर सकते हैं नहीं। तो इसमें हमने देखा कि जो मेटल है वो तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को कंडक्ट कर सकता है, लेकिन जो नॉन मेटल है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो नहीं कर सकता। बट जो इसका ग्रेफाइट नॉन मेटल है, ठीक है, ग्रेफाइट नॉन मेटल जो है वो हीट को कंडक्ट कर सकता है, हीट को कंडक्ट कर सकता है। ग्रेफाइट इज एन एक्सेप्शन, ठीक है, ग्रेफाइट इज एन एक्सेप्शन, वो हीट को कंडक्ट कर सकता है। उसके बाद आता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, तो मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है और नॉन मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों लो होता है। समझ में आया? चलो बहुत अच्छे। अब हम लोग देखेंगे केमिकल चेंजेस, जो हमने अभी पहले पढ़ा कि इन्हें दो चीज़ों के बेसिस पे कैटेगराइज किया है, फिजिकल और केमिकल बेसिस पे, ठीक है। सो अब हम लोग फिजिकल को तो अब हमने देख लिया, लेकिन केमिकल को अभी देखना बाकी है। किसको देखना अभी बाकी है? केमिकल को अभी देखना बाकी है। सो उसको अभी हम लोग देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम लोग देखेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज को। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है? मतलब इनके रिएक्शंस को, ठीक है, रिएक्शंस हम लोग इनका देखेंगे। किसके साथ? रिएक्शंस विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो सकता है आपका, वाटर हो सकता है आपका, एसिड हो सकता है या फिर आपका बेस हो सकता है, ठीक है। सो ये चार जो मेन चीज़ें हैं इनके साथ हम लोग इनका रिएक्शंस देखेंगे, ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स का रिएक्शन हम इनके साथ देखेंगे, इन चारों चीज़ों के साथ। सो पहले हम लोग मेटल्स को देख लेते हैं अभी, ठीक है, मेटल्स का अभी हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन के साथ। अच्छा एक बात बताओ, ये मेटल्स का या फिर नॉन मेटल्स का, इन चारों के साथ रिएक्शन कैसे इंडिकेट करता है कि कोई भी मेटल है या फिर नॉन मेटल? सो देखो, मान लो कि कोई एक पांच सब्सटेंस है, ठीक है, पांच कोई सब्सटेंस है, इन्होंने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और इन्होंने एक प्रोडक्ट फॉर्म किया जिसका नाम मान लो हमने रखा ए। क्या नाम रखा? ए। सेम वही केस एक और पांच सब्सटेंस है, उन्होंने भी रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, लेकिन उन्होंने एक जो सब्सटेंस फॉर्म किया वो ए से अलग है और इसके लिए हमने उसका नाम रखा बी, ठीक है। सो ये पांच सब्सटेंस एक डिफरेंट वे में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और ये पांच सब्सटेंस डिफरेंट वे में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। सो हम लोग कह सकते हैं कि ए डिफरेंट है बी से, मीन्स कि ये पांच सब्सटेंस डिफरेंट है बी से।
सो इस केस में हम लोग ये कह सकते हैं कि ये ए वाला जो है ये हो सकता है मान लो हमारा मेटल, और ये बी वाला मान लो हमारा कह सकते हैं हम लोग नॉन मेटल, समझे? मतलब कुछ भी ऐसे हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, समझ में आया? मतलब ऐसे ही हम लोग कैटेगराइज करते हैं। सेम वही फंडा यहाँ पे भी अप्लाई होता है, वैसे ही यहाँ पे भी सारे कैटेगराइजेशन होता है, ठीक है? तो अब हम लोग देखेंगे मेटल का रिएक्शन किसके साथ। मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। मेटल प्लस ऑक्सीजन जब ये रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ तो ये क्या फॉर्म करते हैं? सो जब भी मेटल प्लस ऑक्सीजन एक दूसरे से रिएक्ट करेगा वो फॉर्म करता है मेटल ऑक्साइड, ठीक है? मेटल ऑक्साइड। अच्छा, एक और बात, ये डिफरेंट मेटल्स, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लो, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ठीक है? डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन और एनी अदर थिंग, किसी भी चीज़ से, और एनी अदर थिंग एट डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है? वो डिफरेंट टेम्परेचर पर रिएक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही टेम्परेचर पर सारे मेटल्स रिएक्ट करेंगे या फिर एक ही टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, वो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे रिएक्ट करते हैं, समझ में आया? चलो फॉर एग्जांपल कि जैसे मान लो हमारा ये सोडियम होता है, एक मेटल जो है हमारा क्या है, सोडियम, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड जो कि है सोडियम ऑक्साइड, क्या फॉर्म होता है, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है? इसका केमिकल फॉर्मूला लिख देते हैं, सो अभी देखो यहाँ पे 4Na है, मतलब कि यहाँ पे 4 एटम्स है सोडियम के और यहाँ पे 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन, क्योंकि O2 है, तो यहाँ पे 2Na और इसका 2 एटम, तो ये तो बराबर हो गया, सोडियम बराबर हो गया, और 2 into O ये भी बराबर हो गया, सो इधर ये भी बराबर है तो ये भी बराबर है, समझ में आया? सो देखो अभी हम लोग क्या कह रहे थे कि डिफरेंट मेटल्स डिफरेंट टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हैं, तो इस केस में यहाँ पे इस एरो पे कुछ नहीं लिखा है कि हीट हो या फिर कोल्ड हो, ऐसा कुछ नहीं है, इसका मतलब कि ये एक नॉर्मल टेम्परेचर पे जो सोडियम है वो आसानी से नॉर्मल टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। लेकिन वहीं पे आप एक मैग्नीशियम का केस देखो, किसका केस देखो, मैग्नीशियम का केस देखो, उसको जब भी आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हो, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या फॉर्म करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन क्या ऐसे ही फॉर्म कर देता है सिंपल नॉर्मल टेम्परेचर पे, क्या वो फॉर्म कर देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या वो एक सिंपल नॉर्मल टेम्परेचर पे फॉर्म करता है? नहीं, उसको चाहिए हीट, एक हाई टेम्परेचर, इसी के लिए हम लोग उसको देते हैं हीट, ताकि उसको एक हाई टेम्परेचर मिले तो वो आसानी से फॉर्म कर पाए। अगर उसको एक हाई टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो वो आसानी से अपने मैग्नीशियम ऑक्साइड को वो फॉर्म नहीं कर पाएगा, समझ में आया? चलो बहुत अच्छे, इधर 2Mg था मतलब 2 एटम्स थे मैग्नीशियम के और इधर भी 2 एटम्स थे ऑक्सीजन के, सो इधर भी ये बैलेंस हो गया, 2 एटम्स मैग्नीशियम के और 2 into O 2 एटम्स ऑक्सीजन के, बैलेंस्ड इक्वेशन है, समझ में आया? सो इसको हीट की जरूरत पड़ी, सो एक डिफरेंट टेम्परेचर पे इसने रिएक्ट किया और इसको एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे इसने रिएक्ट किया, तो सोडियम क्या है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्ट कर देगा, सोडियम जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्ट कर लेगा। बट वहीं पे जो हमारा मैग्नीशियम का केस आता है उसको चाहिए क्या, एक हाई टेम्परेचर, क्या चाहिए, एक हाई टेम्परेचर, समझ में आया? उसको चाहिए एक हाई टेम्परेचर, वो लो टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करेगा, उसको एक हाई टेम्परेचर चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया आपका। अब एक और चीज़ देखो, ये जो सोडियम ऑक्साइड हुआ, मेटल ऑक्साइड जो होता है, सोडियम ऑक्साइड हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ या फिर कोई भी ऑक्साइड, ठीक है, जो कि मेटल ऑक्साइड जो भी है, मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो होते हैं बेसिक नेचर के, बेस के नेचर के होते हैं, समझ में आया? बेस के नेचर के मतलब वो बेसिस होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स मीन्स दे आर बेसिस, मतलब कि वो लोग बेस होते हैं, ठीक है, वो लोग बेसिस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसको टेस्ट करने के लिए आप लोग क्या कह सकते हो, बेसिस होता है, हम लोग कैसे मान लें, तो इसको टेस्ट करने के लिए आप लोग क्या कह सकते हो कि सोडियम को लो, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड को लो, तो ये एक मेटलिक ऑक्साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है सोडियम ऑक्साइड, इसको आप लोग किससे मिला दो, इसको मिला दो आप लोग वाटर से, किससे, सो वाटर से, ये वाटर से मिला, ये फॉर्म करेगा क्या, ये क्या फॉर्म करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये फॉर्म करेगा क्या, फॉर्म करेगा सोडियम
हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। इधर दो एटम्स हैं ये किसके, सॉरी इधर दो एटम्स हैं आपके सोडियम ऑक्साइड के, तो इधर हम लोग ऐसे ही लिखेंगे 2Na। सो दो एटम्स इधर के मैनेज हो गए, और इधर से हैं दो एटम्स किसके, ऑक्सीजन के, और दो एटम्स ऑक्सीजन के, सो OH। दो एटम्स ऑक्सीजन के भी मैनेज हो गए और दो एटम्स हाइड्रोजन के भी मैनेज हो गए। सो ये इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन हुआ। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, तो बेस है, हम लोग जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। और फिर भी अगर इसको टेस्ट करना है, ठीक है, फिर भी आपको टेस्ट करना है नहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस नहीं है, सो आप लोग क्या कर सकते हो कि एक लिटमस पेपर को ये सोडियम हाइड्रोक्साइड आप लोग लो, इसको जो भी ये फॉर्म हुआ जब सोडियम ऑक्साइड और वाटर को मिला के जो सब्सटेंस फॉर्म हुआ उसको आप लोग लो और रेड लिटमस पेपर से टेस्ट करो। सो वो क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, जिसका मतलब है कि वो एक बेस है। मतलब क्या है, वो एक बेस है, समझ में आया, वो चेंज कर दे रहा है, इसका मतलब वो बेस है, समझ में आ रहा है। चलो बहुत अच्छा, ये आपको समझ में आएगा कि क्या है, मेटल ऑक्साइड्स बेसिक ऑक्साइड्स के होते हैं, ये आपको समझ में आएगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को, ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से पॉइंट, कि डिफरेंट मेटल्स जो हैं वो डिफरेंट टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हैं, डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर, और ये दूसरा पॉइंट कि मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक ऑक्साइड्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और आपको कॉन्सेप्ट मिल रहा है, आयरन जो है, आयरन जब भी रिएक्ट करता है ना ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ, सो बहुत दिनों तक वो मॉइस्ट एयर है, मतलब जिसमें थोड़ा सा मॉइस्चर हो, उसके साथ बहुत दिनों तक वो रिएक्ट करने के बाद अपने ऊपर एक रस्ट फॉर्म कर लेता है, जिसको हम लोग क्लोरोजन कहते हैं, ठीक है, रस्ट फॉर्म करता है। इसका कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सो मान लो ये हमारा है आयरन, क्या है आयरन प्लस ऑक्सीजन, क्या है हमारा ऑक्सीजन, ये क्या फॉर्म करेगा, आयरन ऑक्साइड, क्या फॉर्म करेगा, आयरन ऑक्साइड, सिंपल। अब ये जब आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड को क्या मिलता है, आयरन ऑक्साइड को मिलता है वाटर, सो ये क्या फॉर्म कर देते हैं, आयरन ऑक्साइड को मिला वाटर, ये इन्होंने फॉर्म कर दिया रस्ट, ठीक है, इन्होंने फॉर्म कर दिया रस्ट। और ऑक्सीजन का हमारा है 3O2, यहाँ पे 3O2 लेते हैं, इसके पीछे का रीजन हम लोग देखेंगे। Fe2 यहाँ पे ये बैलेंस्ड हो गया आपका, फिर उसके बाद इसको बैलेंस करना है, ये भी बैलेंस हो गया, और और वाटर का H2 होता है हमें पता है, सॉरी यहाँ पे N लेंगे, क्योंकि ये एक रस्ट, उसको बहुत टाइम लग रहा है फॉर्म होने में, उसके बाद तो ये एक रस्ट फॉर्म करता है, जो कि हमें दिखाई भी देता है, रस्ट जो आपको आयरन के किसी भी सब्सटेंस के ऊपर जो आपको एक रस्ट दिखाई देता है वो इसी का रिएक्शन है, ठीक है। ये बहुत ही जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, जैसे कि आयरन ऑक्साइड हुआ उसके ऊपर पानी पटा दो रस्ट उसी समय फॉर्म हो गया, ऐसा नहीं, उसको बहुत ही टाइम लगता है उसको वैसा रिएक्ट करने में, उसको वैसा होने में, फॉर्म होने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। सो वो एकदम से ये सारी चीज़ें नहीं होती। अच्छा, रस्ट से हम लोग आयरन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, रस्टिंग तो हो रहा है, समझ में आया, प्रिवेंशन का कोई नियम बताओ भी, प्रिवेंट कैसे करें, तो प्रिवेंशन का आपका नियम है कि आप इसको क्या करो, आप इसको पॉलिश कर दो, ठीक है, आप इसको पॉलिश कर दो, आप इसको पेंट कर दो, ठीक है, आप इसको पेंट कर दो, आप इसको पॉलिश कर दो, तो क्या होगा, पेंट पॉलिश हो जाएगा तो ऊपर एक दूसरी एक लेयर इसके ऊपर फॉर्म हो गई, आयरन के ऊपर एक दूसरी लेयर तो फॉर्म हो गई ना, जिसके वजह से इससे मॉइस्चर इसके कॉन्टैक्ट में आएगा ही नहीं और रस्ट इसका पैदा होगा ही नहीं, समझ में। चलो बहुत अच्छे, सो मेटल का रिएक्शन कैसे होता है ये तो अभी आप लोग समझ गए, अब हम लोग देखेंगे कि जो नन मेटल है, जो नन मेटल है वो कैसे रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, क्या नन मेटल हमारे ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ये सारे पॉइंट्स को आपने नोट कर लिया होगा, सो अब इसको मिटाते हैं, नन मेटल्स हमारा कैसे रिएक्ट करता है इसको हम लोग देखेंगे। सो अब आता है हमारा नन मेटल, ठीक है, नन मेटल सेम वही कैसे, जब भी नन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, नन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ये फॉर्म करेगा नन मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल मान लो आपका है कार्बन, ठीक है, इसको हीट करने पे, ठीक है, मान लो आपका एक कार्बन है, उसको मैंने उसमें बोला था कि डिफरेंट टेम्परेचर, सेम वही कैसे डिफरेंट टेम्परेचर्स पे भी यहाँ पे भी रिएक्ट करता है। सो कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, ये क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, दो एटम्स है इसके लिए इसको डाइऑक्साइड बोल दिया गया है, CO2 जो कि हमारे हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होता है, इसको हीट करने पे ये फॉर्म होता है, ठीक है। अब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे फॉर्म नहीं होता, जब भी आप लोग कार्बन को हीट करोगे करोगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन को हीट करने पे वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है, समझ में आया। वैसे ही सेम वही केस है सल्फर के साथ, सल्फर को जब भी आप लोग हीट करोगे, ठीक है, सल्फर को जब भी आप लोग हीट करोगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो भी फॉर्म क्या करता है, सल्फर डाइऑक्साइड, क्या फॉर्म करता है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड वो भी फॉर्म करता है SO2, ठीक है, वो भी सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। चलो ये तो आपको समझ में आ गया। अच्छा अभी हमने उस केस में देखा था, किस केस में, ये मेटल के केस में, कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो कौन से नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। सेम वो केस यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे उसका टोटल उल्टा है। यहाँ पे क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं, क्या होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स वो किस बिहेवियर के होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स हमारे एसिडिक मीडियम के होते हैं, ठीक है, मतलब वो एसिड्स होते हैं, वो सिंपल से एकदम नहीं होते, वो एसिड होते हैं, वो बेस नहीं होते, वो एसिड होते हैं। इसको भी टेस्ट करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, सेम वही केस जो कि वहाँ पे रिपीट हुआ था हमारा, कि हम लोग उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है, हम लोग उसको टेस्ट करेंगे। सो देखो आप लोग मान लो सल्फर डाइऑक्साइड को आप लोग लो, ठीक है, SO2, और उसमें आप लोग पानी मिला दो, क्या मिला दो, पानी H2, ये आपका क्या फॉर्म करेगा, सल्फर हाइड्रोक्साइड, क्या फॉर्म करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड आपका फॉर्म करता है, जो जिसका कि केमिकल फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है, इधर ऐसे, सो ये आपका हो जाएगा S2 और O3, ठीक है। सो ये सल्फ्यूरिक एसिड आपका यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है। सो इधर एक एटम था और इधर दो, तो वो मिलके यहाँ पे तीन हो गए, और इसका तो एक था, तो एक का एक और H2 का H2, ठीक है। सो ये सल्फ्यूरिक एसिड आपका वहाँ पे फॉर्म करता है, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको कि अगर आप टेस्ट करोगे, ठीक है, अगर आप टेस्ट करोगे तो वो ब्लू लिटमस को, किसको, ब्लू लिटमस को वो रेड में कन्वर्ट कर देता है, जिसका मतलब है कि वो एसिडिक नेचर का होता है। ब्लू लिटमस को जो भी सब्सटेंस रेड में कन्वर्ट कर देता है वो क्या है, वो तो है, सिंपल से बात है कि वो एसिड है, समझ में आया। चलो सो नॉन मेटल का आपको समझ में आ गया कि नॉन मेटल जब भी रिएक्ट करे ऑक्सीजन के साथ तो क्या फॉर्म करता है, और वो नॉन मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है, और नॉन मेटल ऑक्साइड कौन से नेचर के होते, तो एसिडिक नेचर के होते, समझ में आया। चलो बहुत अच्छे, आगे देखते हैं। अच्छा यहाँ पे ये जो था आपका, ये जो मैंने सल्फ्यूरिक एसिड का जो मैंने कुछ इस तरीके से आपका लिख दिया था, इस तरीके से, ऐसा ये सही नहीं है, आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, ये वाला सही है, ये वाला सही नहीं है, ये वाला आपका सही है। चलो आपका ये तो हो गया, हमने ये देख लिया कि कैसे रिएक्ट करता है, अभी नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन वाला केस तो हमने देख लिया कि ऑक्सीजन के साथ मेटल या फिर नॉन मेटल रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है। सो ऑक्सीजन वाला केस हमारा हम लोग करते हैं टाटा बाय बाय। अब हमारा केस आता है वाटर का, कौन सा केस आता है, वाटर के साथ। मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, एक्चुअली ये फॉर्म कर सकता है मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, क्या, हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो सोडियम को, सोडियम जो कि एक मेटल है, प्लस वाटर, ठीक है, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम का आपका केमिकल फॉर्मूला आपको पता है 2Na या 2N, और प्लस आपका वाटर का 2H2। यहाँ पे हम लोग दो एटम्स लेंगे ये वाटर के, क्योंकि एक ऊपर से इवेलुएट भी होने वाला है हाइड्रोजन गैस, जो कि आपका निकलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस जो कि है
एच टू, ये जो कि इवेल्युएट करता है ऊपर की तरफ जाता है। सो अब यहाँ पे इसको आते हैं टू एन ए ओ एच, समझ में आया। इधर ये हाइड्रोजन के यहाँ पे चार एटम्स थे, तो दो एटम्स तो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया और दो एटम्स यहाँ पे चले गए, ठीक है। ऑक्सीजन के यहाँ पे दो एटम्स थे, दो एटम्स यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, और सोडियम के भी दो एटम्स थे तो दो एटम्स यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो ये फॉर्म होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस एक्चुअली फॉर्म होता है। वहीं पर एक और हम लोग किस लेते हैं, मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम भी जो कि एक मेटल है, मैग्नीशियम प्लस किसका हम लोग किस लेते हैं, वाटर का, ठीक है, मैग्नीशियम प्लस वाटर। सो मैग्नीशियम का आपका है Mg और वाटर का H2O, ठीक है। सो ये क्या फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस, क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, जो कि वापस से ऊपर की तरफ इवेल्युएट होगा, हाइड्रोजन गैस जो कि है H2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि होगा MgO, समझ में आया। मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg और O का O यहाँ पे चला गया, मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीजन चला गया और H2O जो कि इवेल्युएट ही हो गया, समझ में आया। तो यही केस है। तो चलो अभी मेटल का वाटर के साथ देख लिया, अब नॉन मेटल का वाटर के साथ देखते हैं। सो नॉन मेटल जनरली रिएक्ट नहीं करते, ये बात समझ लो कि नॉन मेटल ज़्यादातर जनरली रिएक्ट नहीं करेंगे किसके साथ, आपका ये नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करेंगे वाटर के साथ जनरली। अच्छा एक और चीज़ है, जो ये मेटल होते हैं, ठीक है, मेटल्स में कुछ मेटल्स होते हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम, ये कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि रिएक्ट नहीं करते ना वाटर के साथ, ना एसिड के साथ, ना बेस के साथ। ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, क्या है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है, कौन सा मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज जो कि हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है, कौन सा मोस्ट रिएक्टिव मेटल नहीं होता है, समझ में आया। तो चलो ये तो हो गया, नॉन मेटल ज़्यादातर वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं एसिड वाला केस में क्या होता है, किस वाले केस में, एसिड वाले केस में मेटल जब भी रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो वो क्या करता है। देखो मेटल जब भी रिएक्ट करेगा, मेटल जब भी रिएक्ट करेगा किसके साथ, एसिड के साथ, तो वो क्या फॉर्म करेगा, अपना कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट और हाइड्रोजन गैस, क्या, कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट और हाइड्रोजन गैस। चलो समझ में आया। सो फॉर एग्जांपल हम लोग एक मेटल को लेते हैं जिसका है सोडियम, जो कि हम लोग उस समय से ले रहे हैं, सोडियम, हमारा सोडियम जिसका केमिकल फॉर्मूला 2N प्लस ये हम लोग का एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका कि हम लोग का होगा HCl, ठीक है, HCl2HCl, जो कि रिप्रेजेंट करता है आपका साल्ट। यहाँ पे जैसे हमने देखा ये साल्ट एक आएगा, साल्ट आएगा जो कि आपका साल्ट, कौन सा साल्ट आएगा, सोडियम क्लोराइड आएगा, सोडियम क्लोराइड जो कि आपका एक साल्ट है, और प्लस आपका हाइड्रोजन गैस, क्या आएगा, हाइड्रोजन गैस जिसका कि होगा H2O और इसका 2NaCl, नहीं 2Na और इसका तो दो एटम्स था तो दो एटम्स उधर गया, 2NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम का आपको दिखाई दे रहा है, क्लोराइड का भी यहाँ पे है। सो सोडियम क्लोराइड आपका आता है और हाइड्रोजन गैस आता है, समझ में आया। तो जब भी मेटल रिएक्ट करेगा किसके साथ, एसिड के साथ, तो साल्ट और अपना कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट, अपना कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा। सेम वहीं पे एक और हम लोग देखते हैं आयरन को, आयरन ये भी जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सेम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ही हम लोग इस बार भी लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। सो ये इस बार भी क्या फॉर्म करेगा, ये अपना वापस से वही फॉर्म करेगा, ये अपना कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट, कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट ये अपना फॉर्म करेगा और फिर क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट और हाइड्रोजन गैस Fe, यहाँ पे दो एटम्स चले गए तो Cl2, ठीक है, हाइड्रोजन गैस और अपना कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट, समझ में आया। जो कि कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट, ये आयरन वाले साल्ट का हम लोग क्या नाम रखते हैं, फेरस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड, क्लोराइड,
फेरस, क्योंकि फेरस नाम हमने क्यों रखा, क्योंकि आयरन को हम लोग ग्रीक में फेरस बोलते हैं, इसी के लिए इसका केमिकल सिंबल भी Fe है, क्योंकि इसका नाम शुरुआत भी होता है Fe से, आप लोग देख सकते हो फेरस का Fe अपना यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसका केमिकल सिंबल और क्लोराइड का Cl2। चलो ये तो सही हुआ कि एसिड के मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये वैसे क्या जब रिएक्ट करते हैं मेटल एसिड के साथ तो क्या फॉर्म करते हैं, वैसे एक और चीज़, मेटल के साथ कुछ ऐसे एसिड हैं, सॉरी एसिड के साथ कुछ ऐसे मेटल्स हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, वो रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। उस पर आप कितना भी एसिड उस पर डाल दो वो रिएक्ट नहीं करेंगे, चलो समझ में आ गया। उसके बाद नॉन मेटल का एसिड के साथ, नॉन मेटल भी नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, ठीक है। नॉन मेटल जनरली एसिड के साथ कुछ भी रिएक्ट ही नहीं करता, समझ में, चलो बहुत अच्छे। नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, और वाटर के केस में हमने क्या देखा कि नॉन मेटल जनरली रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, जनरली वो रिएक्ट ही नहीं करता। अब बाकी सारे केसेस में कहीं पर रिएक्ट कर सकता है, लेकिन जनरली वो रिएक्ट नहीं करता। चलो ये तो हमारा हो गया। अब हम लोग देखेंगे एसिड, सॉरी मेटल प्लस बेस का एग्जांपल। जब मेटल बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, सो देखो दोस्तों, मेटल जब भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल प्लस बेस, मेटल जब भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा वो क्या फॉर्म करेगा, अपना कोरस्पोंडिंग साल्ट, कोरस्पोंडिंग साल्ट और हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप लोग ले सकते हो कि मान लो आपका मेटल है, ठीक है, मेटल है आपका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आपका मेटल है, वो रिएक्ट करता है अगर आपके बेस सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर वो रिएक्ट करता है, सो अपना कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट फॉर्म करेगा, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिएक्ट, और हाइड्रोजन गैस अपना निकलेगा। सेम वही केस होता है जैसे कि अगर एल्यूमिनियम की जगह पे जिंक ले लेते, कोई भी मेटल को आप लोग ले लो, सो अपना कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस को इवेल्युएट करेगा। सो बेस के एग्जांपल, बेस के केस में ये बहुत ही हायर नहीं जाता, ये सिर्फ इतना ही है अपना, देख लो। उसके बाद नॉन मेटल का अगर हम लोग देखें, ठीक है, नॉन मेटल का अगर आप लोग देखो, नॉन मेटल का रिएक्शन किसके साथ, बेस के साथ, सो इसमें ये लोग बहुत से सब्सटेंस कभी कभी फॉर्म कर देते हैं, ठीक है, मेनी सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, बहुत से सब्सटेंस ये लोग फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि मान लो आपका एल्यूमिनियम ने ही रिएक्ट किया आपके सोडियम हाइड्रो, सॉरी क्लोराइन ने आपका रिएक्ट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोराइन, आपका क्लोराइन जो कि एक नॉन मेटल है, क्लोराइन ने मान लो रिएक्ट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे कि आपका बन सकता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी सोडियम क्लोराइड जो कि एक साल्ट है, सोडियम क्लोराइड आपका बन जाएगा, फिर हाइड्रोजन गैस तो इवेल्युएट होगा ही, सोडियम क्लोराइड बन जाता है, हाइड्रोजन गैस इवेल्युएट होगा, और सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड एक फॉर्म हो जाता है। उसके बाद आपका फॉर्म होता है सोडियम क्लोराइड, क्या फॉर्म होता है, सोडियम क्लोराइड, और उसके बाद आपका इसके साथ ही हाइड्रोजन गैस भी फॉर्म हो जाता है, हाइड्रोजन गैस आपका एक फॉर्म हो जाता है। सोडियम क्लोराइड आपका क्या है, एक साल्ट है, और सोडियम हाइपोक्लोराइड एक फॉर्म होता है, और हाइड्रोजन गैस तो आप लोग जानती हो। चलो सो मेटल और नॉन मेटल का हमने देख लिया बेस के साथ रिएक्शन। अच्छा सेम वही केस यहाँ पे भी, मैंने पहले भी बताया अभी भी बता रहा हूँ कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ये रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करते एसिड के साथ, वाटर के साथ या फिर बेस के साथ, ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते, समझ में आया, ये थोड़ा सा भी रिएक्ट नहीं करते। चलो ये सब तो हमने देख लिया, केमिकल रिएक्शंस, फिजिकल रिएक्शंस सब हमने देख लिया, हमने पढ़ लिया कि मेटल्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, हमने सब पढ़ लिया, फिजिकल बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है और केमिकल बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। फिजिकल बेसिस पे हमने क्या पढ़ा था कि उसमें सात चीज़ें हैं, फिजिकल बेसिस पे हमने सात चीज़ों के बारे में देखा था, लस्टर, स्ट्रेंथ, स्टेट, ड्यूटिलिटी, मैलेबिलिटी, कंडक्टिविटी और डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस, आप लोग उसको देख लो। लेकिन ये सब तो हमने पढ़ लिया, लेकिन एक और चीज़ अभी जो हमने अभी यहाँ पे देखा कि गोल्ड रिएक्ट कर रहा है, सिल्वर रिएक्ट नहीं कर रहा है, प्लैटिनम रिएक्ट नहीं कर रहा है, वहीं पे आयरन रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है, सोडियम रिएक्ट कर रहा है, ये सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें, इसको अब हम लोग एक बार देखेंगे कि कौन सा मेटल कितना रिएक्ट कर सकता है किसी भी चीज़ के साथ, ठीक है, कौन सा मेटल किसी भी चीज़ के साथ कितना ज़्यादा रिएक्ट कर सकता है या फिर नहीं कर सकता, इसको अब हम लोग एक बार देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, हम लोग देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज को, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज क्या है इसको हम लोग देखेंगे। सो रिएक्टिविटी सीरीज एक्चुअली यही है, ठीक है, मतलब मेटल्स को एक सीरीज में हमने
बनाया है सबसे ऊपर, फिर उसके बाद ये क्या किस बेसिस पी से हमने कैटेगराइज किया, किस बेसिस पीस को हमने बनाया? इसको हमने बनाया कि सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल, फिर उससे कम रिएक्टिव मेटल, फिर उससे कम रिएक्टिव मेटल, फिर उससे कम रिएक्टिव मेटल। तो सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल है आपका पोटेशियम, उससे कम है सोडियम, उससे कम है आपका कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, और वैसे ही जाता आता जाता है। और द लीस्ट रिएक्टिव मेटल है आपका प्लेटिनम, फिर उससे कम रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, मतलब उससे थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है गोल्ड, और उस गोल्ड से थोड़ा सा ज़्यादा और रिएक्टिव मेटल है सिल्वर, ठीक है, लेकिन लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो ये सबसे नीचे आते हैं। हाइड्रोजन जो कि हम लोग जानते हैं कि ये एक मेटल नहीं है, ठीक है, हाइड्रोजन हम लोग जानते हैं कि ये एक नन मेटल है, फिर भी इसे मैंने इसमें कैसे रखा? सो हाइड्रोजन को हमने इसमें एक पॉइंट के रूप में रखा कि इसी से हम लोग पता करेंगे कि हाँ कौन सा मोस्ट रिएक्टिव है और कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। देखो ये हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी लिखे हैं, ठीक है, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन टिन लेड, ये लोग क्या कर सकते हैं? ये लोग हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन को इनको रिप्लेस करने की क्षमता है किसमें से? एसिड से, वाटर से, बेस से, ठीक है, इन तीनों से ये लोग हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं। ये जितने भी हाइड्रोजन के ऊपर अपर साइड में लिखे हैं, हाइड्रोजन के नीचे वाले जितने भी साइड हैं वो लोग हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकते, कैन नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन, वो लोग हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकते। किस चीज़ से? सेम वही कहानी है, एसिड वाटर बेस, ठीक है, एसिड वाटर बेस से ये लोग हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकते, और इसी बेसिस पे इन्हें कैटेगराइज किया गया। समझ में आया? यही है रिएक्टिविटी सीरीज। सो रिएक्टिविटी सीरीज सिर्फ ये बताता है कि द मोस्ट रिएक्टिव मेटल एंड द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, ठीक है, मतलब वो रिएक्टिव मेटल जो कि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है और वो किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से रिएक्ट कर सकता है अलग अलग रिएक्टेंट से, जैसे कि ऑक्सीजन हुआ, वाटर हुआ, एसिड हुआ, बेस हुआ, उन सबसे वो रिएक्ट करेगा। और लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स ज़्यादातर रिएक्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, प्लेटिनम हुआ, ये लोग रिएक्ट नहीं करते जल्दी, ठीक है, ये लोग अभी हमने पढ़ा भी था कि एसिड वाटर और बेस से ये लोग रिएक्ट नहीं करते, एसिड वाटर बेस से ये लोग रिएक्ट नहीं करते, और इसी के लिए इन्हें नोबल मेटल कहा गया है। क्या कहा गया है? नोबल मेटल्स, क्योंकि ये रिएक्ट ही नहीं करते, ठीक है, ये रिएक्ट नहीं करते, इसी के लिए से हमने नोबल मेटल कहा गया है। चलो समझ में आया। अब एक और चीज़ आता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपने पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये क्या होता है? सो जैसे कि देखो कि मान लो कि आप लोग देखो कि मान लो कि यहाँ पे अभी जैसे हमने देखा कि ये है आपका मोस्ट रिएक्टिव मेटल, क्या है आपका यहाँ पे पोटेशियम, ठीक है, और लीस्ट रिएक्टिव मेटल है आपका प्लेटिनम। वैसे ही आपने सबसे फेमस एग्जांपल जो हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, द मोस्ट फेमस एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, आपका मोस्ट फेमस एग्जांपल आपका है आयरन और कॉपर का। किसका है? आयरन और कॉपर का, ठीक है, आयरन एंड कॉपर, आयरन और कॉपर का ये आपका सबसे मोस्ट फेमस एग्जांपल। मान लो आप लोग कॉपर का एक सोल्यूशन, साल्ट सोल्यूशन आपने बिल्ड किया, उसमें आपने आयरन को रख दिया, ठीक है, कॉपर का एक साल्ट सल्फेट सॉल्यूशन आपने बिल्ड किया, उसमें आपने आयरन को रख दिया, तो क्या होगा? वो जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा रेडिश कलर का हो जाएगा, ठीक है, रेडिश कलर का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आयरन एक रिएक्टिव मेटल है। देखो कॉपर यहाँ पे सबसे नीचे आता है, उसके ऊपर है आयरन, तो आयरन मोस्ट रिएक्टिव मेटल हुआ कॉपर के मुकाबले, आयरन कॉपर के मुकाबले ज़्यादा रिएक्टिव मेटल, सो आयरन क्या करता है? उसको रिप्लेस कर देता है, उस लीस्ट रिएक्टिव मेटल को वो रिप्लेस कर देता है। इसका केमिकल फॉर्मूला हम लोग बोलते हैं कि मान लो आपका कॉपर सल्फेट आपका सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट, और उसमें आपने आयरन को रख दिया, ठीक है, आयरन कॉपर सल्फेट का हम लोग कॉपर सल्फेट और आयरन Fe, सो ये क्या होता है आपका? हो जाता है आयरन सल्फेट और कॉपर, ठीक है, ये आयरन सल्फेट में आपका तब्दील हो जाता है और ये हो जाता है कॉपर आयरन सल्फेट FeSO4, ठीक है, ये आयरन सल्फेट में आपका तब्दील हो जाता है और ये कॉपर अलग हो जाता है, ठीक है। सो ये कहानी होता है क्यों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। इससे आप लोग क्या सीखते हो कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल replaces least reactive metal, जो सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को आप में रिप्लेस कर देता है। समझ में आया? चलो बहुत अच्छे। अच्छा, रिएक्टिविटी सीरीज हमने देख ली। अब एक और जो अच्छी एक चीज़ है, अब देखते हैं हम लोग एक और एलोय। आपने सुना होगा, ठीक है, हमने पढ़ा कि एक मेटलोइड है, जो कि हमने शुरुआत में ही देखा था कि एक है आपका मेटलोइड, ठीक है, तो मेटलोइड तो हमने देखा कि मेटलोइड है जिसमें कि
प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसकी, मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेटलॉइड में, ठीक है, मेटलॉइड दोनों की प्रॉपर्टीज़ को हेल्ड करता है, सिर्फ वो प्रॉपर्टीज़ को हेल्ड करता है, मेटलॉइड में क्या है वो प्रॉपर्टीज़ को हेल्ड करता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है, वो खुद मेटल एंड नॉन मेटल नहीं है, मेटल और नॉन मेटल के कुछ प्रॉपर्टीज़ को हेल्ड करता है, ठीक है, वो होता है मेटलॉइड, जिनमें ये दोनों प्रॉपर्टीज़ होते हैं। यहीं पे आता है आपका एलोय, ठीक है, ये एलोय है, ये बनाया जाता है मिक्सचर ऑफ, ये मिक्सचर ये खुद से बनाते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल ये बनता है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, ठीक है, टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है, मिक्सचर हम लोग कर सकते हैं टू और मोर नॉन मेटल का या फिर मेटल और नॉन मेटल का, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल का, समझ में आया। मान लो आपका दो मेटल है, कोई भी दो मेटल है, उसको मिलाया हमने और एक एलोय बना दिया, ठीक है, लेकिन वहीं पे दो मेटल को हमने मिला के एलोय बना दिया, और फिर उसके बाद मान लो एक मेटल है एक नॉन मेटल है, उसे मिला के हमने एलोय बना दिया, ठीक है, यही कहानी है। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि आपका ब्रास होता है, ब्रास हुआ, आपका ब्रॉन्ज हुआ, ये एक एलोय है, ठीक है, ब्रास जो है वो आपका 65% क्या कंटेन करता है, तो आपका कॉपर कंटेन करता है, 65% कॉपर कंटेन करता है, और 35% आपका क्या कंटेन करता है, तो जिंक कंटेन करता है, 65% कॉपर और 35% जिंक, समझ में आया, जो कि दोनों क्या है, दोनों है मेटल। वहीं पे आपका जो ब्रॉन्ज है वो 88% क्या कंटेन करता है, 88% आपका कंटेन करता है कॉपर, 88% आपका कंटेन करता है कॉपर, और 12% वो क्या कंटेन करता है, सो टिन, वो 12% टिन को कंटेन करता है, और बाकी 88% कॉपर कंटेन करता है। सो ऐसे ही बहुत से अलग अलग एलोज हैं, जैसे सोल्डर, फिर उसके बाद आपका स्टेनलेस स्टील हो गया, ऐसे बहुत सारे एलोज हैं, ठीक है। सो एलोज की एक अलग ही, मतलब वो अलग ही दुनिया है, मतलब कि उसमें सिर्फ वो दो तीन मेटल्स को मिला के या फिर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों को मिला के एलोय को हम लोग तैयार करते हैं। एलोय को अगर और भी एग्जांपल्स आपको चाहिए एलोय के, तो आप लोग गूगल सर्च कर सकते हो। सो एलोय का वो आपका कहानी हो गया। उसके बाद अभी हम लोग देख लेते हैं एक यूजेस, ठीक है, एलोय का तो हमने देख लिया कि एलोय क्या है, मेटलॉइड और एलोय में क्या डिफरेंस है, इसी के लिए मैंने इसको लिया था कि कहीं आप उन्हें कहीं एलोय आपने सुना भी हो, सो आप लोग एलोय को मेटलॉइड से कन्फ्यूज मत करना, ठीक है, मेटलॉइड अलग है, एलोय अलग है। मेटलॉइड है नेचुरल चीज़ जिसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो बनाया नहीं गया है, मेटल और मेटल को दोनों को मिला के नहीं बनाया गया, वो नेचुरली है, नेचुरली पहले से है हमारे पूरे ब्रह्मांड में, और उसको उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ है मेटल की, कुछ प्रॉपर्टीज़ है नॉन मेटल की, लेकिन वहीं पे एलोय ब्रह्मांड में नहीं है, हमने खुद बनाया है, हमने खुद बनाया है, खुद से मेटल को नॉन मेटल को मिला के या फिर दो मेटल्स को मिला के हमने खुद उसे बनाया है, वो पहले से ब्रह्मांड में नहीं था। अच्छा, अब यूजेस को थोड़ा देख लेते हैं, यूजेस मेटल का, यूजेस ऑफ मेटल और नॉन मेटल का भी यूजेस हम लोग देखेंगे। सो यूजेस ऑफ मेटल में एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम आपने मेटल तो इसका सुना ही होगा, ये एक फॉइल के रूप में यूज़ होता है खाना पैक करने के लिए, आप जानते ही हो। इसके बाद इसका सबसे बड़ा एक और यूज़ होता है एयरक्राफ्ट्स में, ठीक है, मतलब कि हवाई जहाज में इसका एक बहुत ही बड़ा उपयोग होता है। उसके बाद आता है आपका आयरन, आयरन आपने जाना ही है, इससे मैग्नेट्स बनते हैं, आपके घर के बहुत सारी चीज़ें भी आयरन से ही होती होंगी, बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद आपका गोल्ड है, गोल्ड हो गया आपका, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये ज्वेलरी के रूप में आप लोग यूज़ करते हैं, ज्वेलरी के रूप में। सो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। उसके बाद अगर यूजेज ऑफ हम लोग नॉन मेटल देखें, यूजेज ऑफ नॉन मेटल, सो अगर इसमें हम लोग देखते हैं, सो इसमें मान लीजिए आपका एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये यूज़ होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में आपका ये होता है मैन्योर के मैन्युफैक्चरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैन्योर। उसके बाद आपका ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट जो आपका हो गया वो आपका पेंसिल के लीड्स बनाने में, पेंसिल का जो आपका ऊपरी भाग होता है जो जिससे आप लोग लिखते हो, ठीक है, पेंसिल के लीड्स जिससे आप लोग लिखते हैं वो इसी से बनता है, ग्रेफाइट से बनता है, ठीक है, वो आपका ग्रेफाइट से बनता है पेंसिल का लीड। तो चलो ये तो अभी हम लोग का हो गया, मेटल नॉन मेटल का यूजेस भी हमने देख लिया, वो लोग को कैसे हमने क्लासिफाई किया ये भी देख लिया, कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है कौन सा ज़्यादा कम रिएक्टिव है इसको भी हमने देख लिया, सब कुछ देख लिया, चलो सब सही है। सो इसी के साथ ये चैप्टर आपका होता है समाप्त, ठीक है, ये चैप्टर आपका होता है समाप्त। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, ठीक है, अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके, टाटा, बाय बाय।